राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। बदलते मौसम में हर घर में कोई ना कोई, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, बीमार हो जाते हैं। और एक उम्र के बाद ना दर्द होना भी स्वाभाविक सा है, पैरों में, कमर में। तो आज मैंने बहुत ही शानदार, बहुत ही हेल्दी लड्डू बनाए। और ये पहले आप लड्डू की थोड़ी सी शैतानी देख लो भैया, छुट्टी के दिन ही क्या गेम है ये? बच्चा मानता ही नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि बारिश हो रखी अच्छा है, बाद में जा नहीं रहा, घर में हो रहा है बोर। मतलब तो ये है 9 साल के बच्चे ये हरकत करते हैं क्या? निकलो बाहर इसमें से। तो जी मेरे यहाँ हो रही है बारिश और मुझे जाना है बाहर, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकलूं। और पता है ऐसे होता है कि थोड़ी सी देर, मतलब मेरे एरिया में बारिश है और मैं बाहर निकली तो बारिश नहीं है, ऐसा हो रहा है। रोड गीली हो रही है और स्कूटी पे जाते हुए डर लगता है फिसलने का, और कार में जाऊं तो इतना रश है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मौसम कई दिनों से ऐसा हो रहा है। एंड लुक एट माई एवोकाडो वाला पौधा, कितना बड़ा हो गया। ये एवोकाडो लगाई थी मैंने घर में, एक बीज डाल दिया था, और इसको ज़मीन में लगाऊंगी मैं थोड़े दिन बाद अपने खुद के घर में। और ये मेरा करी पत्ता अच्छा लग रहा है ना, फ्रेश। ये है जामुन मोटे वाले, ये भी जामुन है। बस यही पौधे हैं मेरे पास। बहुत पौधे हुआ करते थे एक टाइम पे मेरे पास, 50 से ज़्यादा गमले थे। बट चूंकि ट्रांसफ़र वाली जॉब है तो फिर मूवमेंट करने में दिक्कत होता है, तो मैं अपने दोस्तों को दे आई थी। ये एवोकाडो का पौधा है, इसके एवोकाडो बेचेंगे, बिजनेस करेंगे इससे। और ये मेरे घर के नीचे की ग्रीनरी देखिए कितनी ज़्यादा है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन पोल्यूशन के लिए ऑल क्रेडिट गोज़ टू दैट प्लांट, HPCL का। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इससे आता है, और जितनी ग्रीनरी है ना ये सफिशेंट नहीं लगती इसकी वजह से। सिर्फ इसने जीना मुश्किल कर रखा है भाई, इस प्लांट की वजह से ना। और ये तो आपको कुछ ही दिख रहा है, पीछे की तरफ देखोगे इतना फैला है ना ये, और पहाड़ भी दिखते हैं मेरे घर से। देखो पहाड़ देख सकते हैं आप। मेरा बड़ा मन करता है कि मैं उन पहाड़ों पर चढ़ूँ। मैंने एक दिन हस्बैंड से कहा कि क्या हम ऊपर जा सकते हैं, कह रहे हाँ जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है चलेंगे किसी दिन उन पहाड़ों पर, चढ़ेंगे एक दिन। आई लव माउंटेनिंग, मैं जाऊँगी किसी दिन। ये नीचे मेरे घर के नीचे स्केटिंग ग्राउंड है, और ये मेरी स्कूटी खड़ी है नीचे, वो देखो वो वाली, इस पर गोलू लिखा हुआ है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ये वाली, सी दिस इज़ माई स्कूटी, इस पर जाती हूँ मैं। और आगे में मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, और ये है यहाँ पर इसका पेड़, क्या कहते हैं कौन सा पौधा होता है वो, ताड़गोला। यस ताड़गोला है, नारियल के बहुत पौधे हैं यहाँ पर, पेड़ और एक और ताड़गोला वहाँ पे है। और बस भाई यही है, अब चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ कि आज क्या बनाया मैंने, क्या बनाने जा रही हूँ। एक और चीज़ दिखाती हूँ जाने से पहले, वो जो कुछ दिन पहले चोट लगी थी ना मेरी उंगली में, उसकी हालत देखो क्या हो गई है। पूरा नेल चला गया, अब वापस से आ रहा है। ये पूरा नेल पहले वाला उखड़ गया, ये दूसरा आ रहा है फ्रेश। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, घर से बाहर के काम हो नहीं सकते, तो मैंने सोचा चलो एक रेसिपी शूट कर ली जाए जो अपकमिंग वेदर में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। जिसके लिए मैंने लिया था 1 किलो गेहूं का आटा, और 250 ग्राम मैंने डाला है इसमें बेसन। दोनों चीज़ों को एकदम धीमी आँच पर एकदम लाल होने तक भून लेंगे, या फिर तब तक जब तक कि खुशबू अच्छी ना आ जाए। सभी को पता है कि आटा कैसे भूनता है, बस उस प्रोसेस को फॉलो करके आटा भून लीजिएगा और बाहर निकाल लें। फिर इस कढ़ाई में डालेंगे शुद्ध घी, और घी को गर्म करके इसमें डालना है गोंद, एडिबल गम, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बदलते मौसम में। अगर आपको कोई भी तकलीफ है, जैसे सर्दियाँ लगेंगी तो आपको इसे खाना ही चाहिए। तो वैसे तो आप इसे खा नहीं सकते, मिठाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। तो आज मैं एक बहुत ही शानदार, सरल, टेस्टी लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप दवाई के तौर पर खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे होगा। तो मैंने गोंद भून लिया है, और इसको निकालकर हम किसी कटोरी या ग्लास के बैक साइड से इसको थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लेंगे। इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है, लेकिन हाँ अगर आपका क्रंच पसंद नहीं है तो आप इसे मिक्सी के जार में डालकर भी पीस सकते हैं। लेकिन हल्का क्रंची जब ये लड्डू की बाइट में आता है तो यकीन मानिए बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो गर्मा गर्म इसे पीस लेंगे तो आसानी से पीस जाएगा। फिर इसी घी में थोड़ा घी और ऐड करके खसखस डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, और धीमी आंच पर खसखस को भूनकर ये जो भुना हुआ आटा था हमारा, ये इसमें ऐड करेंगे। तो मैं आपको लड्डू कम क्वांटिटी में बनाकर दिखा रही हूँ किस तरीके से आपको लड्डू बनाने हैं। पहले हमने बेसन और आटे को सूखा भूना था, फिर हमने घी में डालकर भूना 5 मिनट धीमी आंच पर। 5 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा आपको, थोड़ा ड्राई ड्राई दिखेगा। घी की इसमें कमी बिल्कुल नहीं, एकदम परफेक्ट घी है, आप चिंता ना करें।
अब इस स्टेज पर ये जो हमारा गोंद था हमने इसे क्रश किया था ये इसमें ऐड करेंगे। इसमें आपको कोई भी ड्राई फ्रूट डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है इन लड्डुओं की। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं वो भी बहुत हेल्दी होते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन ऐड कोई भी ड्राई फ्रूट्स भूनकर घी में इसी स्टेज पर ऐड करना है। उसके बाद पानी का छींटा डालना है दो बार, तो कोई ऐसे नहीं कि 1/4 कटोरी पानी डाला, नहीं, दो बार हाथों से पानी ले, छींटा डाल दे और मध्यम आंच पर लगातार चलाएं इसे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट आपको इसकी मध्यम आंच पर करनी है भुनाई। इस तरीके से जब आप लड्डू बनाएंगे तो क्या होगा कि आपके जो लड्डू हैं वो बहुत दानेदार बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे, इतने बढ़िया कि आप अगर एक खाएंगे ना तो दो खाकर हटेंगे, इतने स्वादिष्ट बनते हैं। इसमें खसखस का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो अब लड्डू को 5 मिनट भूनने के बाद मैंने ठंडा किया, उसके बाद डाला इलायची का पाउडर और देसी खांड या फिर मिश्री को पीस कर डालिएगा। जो मिश्री होती है ना साबुत वाली धागे वाली, उसे पीस कर डाल दीजिएगा तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनेंगे। अगर आपको गुड़ का फ्लेवर पसंद है तो गुड़ को पिघला कर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पर चूंकि मुझे गुड़ का फ्लेवर स्पेशली मिठाइयों में पसंद नहीं आता है तो मैंने नहीं डाला है। इन्हें हेल्दी टेस्टी बनाने के लिए या तो देसी खांड का इस्तेमाल करें या फिर मिश्री पाउडर का। और देखिए घी एकदम परफेक्ट है इनमें। अब ऊपर से थोड़ा सा भुना हुआ खसखस डालेंगे, खसखस को भून कर डालिएगा। तो सूखा खसखस तवे पे भून ले या फिर किसी कढ़ाई में भून ले और इस तरीके से लड्डू के ऊपर डाल दें। तो बस यहाँ पर फटाफट मैंने लड्डू बना लिए हैं जो बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं आपको एक लड्डू को तोड़कर दिखाऊंगी। अब इन लड्डुओं को जो है आप ऊपर से पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं या फिर मेरी तरह जो हमने खसखस भुना था वो इनके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। इन लड्डुओं में बहुत ताकत है। अगर आपको वीकनेस हो रहा है या जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हैं। लड्डू बहुत ही शानदार, बहुत ही हेल्दी बनते हैं ये। और खास बात यह है कि घर में रखे सामान के साथ बनते हैं। अब जैसे मौसम बदल रहा है ऐसे में तो ये एकदम रामबाण इलाज है, तो आपको कहीं नहीं पड़ेगा जाना, घर में रखे सामान के साथ इन्हें बनाना बहुत आसानी से कुछ ही मिनटों में बनाकर महीने, 2 महीने, 3 महीने तक स्टोर करना और हर दिन एक लड्डू दूध के साथ खाना। पैरों में दर्द हो, कमर में दर्द हो या कहीं पे भी शरीर में दर्द अगर हो रहा है तो ये आपके सारे दर्द को कर देंगे छूमंतर। तो ट्राई करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।